नमस्कार दोस्तों, जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है और जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 30 मार्च दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट में ओम साईनाथ महाराज जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार। आज की तिथि है नौमी। आज का नक्षत्र है पुनर्वशु नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:14 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:37 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:19 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। यदि दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:58 से दोपहर 3:31 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है पीला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके लिए लम्हे यादगार बने हैं, जरा इन्हें संभाल कर चलिएगा। व्यापार में हानि और सामान की चोरी को लेकर के सतर्क रहें। अगले कुछ दिन दोस्तों आपके सबसे खुशी से भरे दिनों में से एक रहेंगे। आज आप अत्यधिक ऊर्जावान और मेहनती खुद को काफ़ी हद तक महसूस करने वाले हैं, जो आपके दिनचर्या में बड़े बदलाव होते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हैं व कुछ स्थितियां आप लोगों के साथ में नकारात्मकता का खेल खेल रही हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि हमें ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो बहुतों को नसीब भी नहीं होता है। दोस्तों, कुछ असमंजस की स्थिति की वजह से बिगड़ी हुई संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आप लोगों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं कहीं ना कहीं, दुविधा की स्थिति में सांचे तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। बिजनेस की व्यवस्था रखने में आप सक्षम रहेंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में बदलाव संबंधी मौके मिलेंगे, इसे तुरंत ले लेना चाहिए। ग्रह जीवन व्यवस्था खुशनुमा रहने वाली है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है। सकारात्मक लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। और दोस्तों, आपको अपनी रुचि में भी काफ़ी आश्चर्यजनक परिवर्तन करना पड़ेगा। आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं, दृढ़ इच्छा आएगी। किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा आलोचना होने से मन आहत होगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। व दोस्तों, किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। आपकी कोई खास वस्तु खो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। व्यक्तिगत वस्तुता की वजह से व्यवसाय संबंधित कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे। ज़्यादातर काम समय पर निकल जाएंगे। रुका हुआ पैसे मिलने से राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई अनचाही ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। घर का वातावरण सुखद रहेगा। सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम प्यार बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ में मुलाकात का अवसर बनेगा। नज़दीकी लोगों के साथ में मेल मुलाकात होगी। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी रहेंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय वास्तु संबंधित नियमों का पालन करें।
अपने निर्णय खुद ही लें तो बेहतर है, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं तथा लोन लेने की योजना बन रही है तो अपने सामर्थ्य से अधिक लोन लेने से परहेज करें। इस समय मानसिक शांति बनाकर रखना जरूरी है। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय वस्तु संबंधी नियमों का पालन करें। अपने निर्णय खुद लें तो बेहतर है, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, इससे आपको घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। पूरी योजना से आप अपने कार्यों में फोकस कर पाएंगे। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, वरना अकारण ही लोगों के बीच में आपकी छवि खराब हो सकती है। स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा लें, बल्कि सहज तरीके से अपने कार्य निपटाते जाएं। व्यवसाय गतिविधियों में बहुत व्यस्तता और थकान रहेगी, इसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। रिश्तेदार संबंधी योजनाओं पर भी विचार विमर्श करें। बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए और दोस्तों कार्य पर ध्यान दें। गतिविधियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, सिर्फ उसे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा और आप अपने अंदर अजब का आत्मविश्वास ऊर्जा महसूस करेंगे। अचानक ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि खर्चों पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी मामले अभी सुलझने में दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह के काम आज स्थगित रखें तो बेहतर है। कार्यभार में इससे ज़्यादा मेहनत और ध्यान देने की आवश्यकता है। विस्तार संबंधी योजनाओं पर कोई भी कार्य ना करें, आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा। तनाव और चिंता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है दोस्तों, परंतु जीवन साथी तथा बच्चों का आपको पूरा सहयोग रहेगा। आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर के कुछ विचार विमर्श हो सकते हैं तथा पारिवारिक सदस्यों में उत्साह का माहौल रहेगा। परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे। अपनी वस्तु को संभाल कर रखें। दूसरों पर भरोसा करना नुकसानदेह रह सकता है। किसी नज़दीकी रिश्तेदारों से कहा सुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी। मन में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ आघात जैसी स्थिति रहेगी। व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।